हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी मुझे आप लोगों को बतानी थी। फ्रेंड्स, अभी जो है सबसे ज़्यादा असर जो मुझे दिख रहा है 5D सोल मर्जिंग जिन ट्विन फ्लेम्स की हो चुकी है उनकी, और जो 3D से 5D की ओर बढ़ रहे हैं उन ट्विन फ्लेम्स की, दोनों की जो एनर्जी आ रही है इस वक्त, आज की जो एनर्जी है वो सेम ही है लगभग। ठीक है, बस ये है, पेन में फ़र्क है बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो ये आ रही है, कलेक्टिव एनर्जी के बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फील हुआ है उनको आज, दो के बाद की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की बहुत डाउन वाली एनर्जी थी। ठीक है, जिसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को या तो फीवरिश सा फील हुआ होगा या फिर इस तरीके की एनर्जी फील हुई होगी कि जैसे बहुत ज़्यादा नींद वाली एनर्जी इनको फील हुई होगी। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जैसे उनको नींद आई हो, इस तरीके की एनर्जी उनको फील हुई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उनके सोलर प्लेक्सस हुआ और थर्ड आई हुआ और सेक्रल पे, सोलर प्लेक्स पे आज बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, थर्ड आई से भी ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ है उनको और कुछ इस तरीके की एनर्जी है भी उनकी, कि उनकी जो डाइट है ना, मतलब उनका जो खाने की डेली रूटीन की जो डाइट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है आज उनकी, वो मतलब उन्होंने खाना भी सही से नहीं खा पाया है। इस तरीके की कुछ एनर्जी, हैवी एनर्जी थी, काफ़ी हाईली एनर्जी। ठीक है, मॉर्निंग में काफ़ी फ्रेश और बहुत अच्छी वाली जो एनर्जी थी बहुत ही मतलब स्मूदी एनर्जी थी, बट अभी जो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 2 बजे के बाद जो एनर्जी रही 4 बजे तक के बीच में, वो कुछ इस तरीके की थी कि मतलब बहुत रेस्ट में चले गए होंगी सारे डिवाइन फेमिनाइंस को, ऐसा फील हुआ होगा बहुत हैवी हैवी सा। हालांकि ऐसा हैवीनेस ना तो उनकी ऐसा हुआ है कि कार्मिक से उनको मिली हुई हुई एनर्जी, ना DM की तरफ से ही एनर्जी आई थी, ये थी फ्रेंड्स कलेक्टिव एनर्जी, जो कि कलेक्टिव एनर्जी लोगों को फील हुई थी। ठीक है, और जो पेन की एनर्जी है फ्रेंड्स, वो पेन की एनर्जी अगर मैं 5D सोल मर्जिंग जिन जिन ट्विन फ्लेम्स की उचके उनकी करूँ, तो उनके जो पेन है वो पेन ज़रूर थे बट उतना पेन नहीं कहूँगी मैं जो 3D से 5D की ओर जाते वक्त, अभी अवेकनिंग जिन जिन ट्विन फ्लेम्स की हो रही है या अवेकनिंग प्रोसेस से आगे हैं उनके उनको जिस तरीके से फील हुआ, इस तरीके से ये एनर्जी यहाँ अभी आज तो नहीं थी डिवाइन फेमिनाइंस की। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा फील हुआ होगा और लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में बॉडी के ऐसा फील हुआ होगा जैसे बहुत ज़्यादा पेन है, मीन स्पेशली लेफ्ट या राइट बॉडी पार्ट में। ठीक है, ये आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा महसूस किया होगा इस तरीके की जो एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, और फ्रेंड्स पीजियंस या फिर फैदर, पीजेंस या फैदर इस वक्त, और एंजल नंबर्स में भी 2 तरीके की एनर्जी आ रही है, मिरर नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या तो आपको दिखाई दे रहे हैं, या 1111 या 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे जो फील हो रहा है, 1991 191। ठीक है, इस तरीके की जो एनर्जी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की एनर्जी है इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस की, कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनके उनकी तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लैरिटी दी जा रही है उनको। अगर सोल मर्जिंग 5D सोल मर्जिंग हो चुकी है, 5D सोल मर्जिंग हो चुकी है, तो भी उनकी जो एनर्जी है वो कुछ अलग तरीके की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो इस तरफ मिरर हो रही है अभी। फ्रेंड्स, तो अभी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थी बहुत हाईली हैवी एनर्जी रही, लेकिन जो हैवी एनर्जी और हाईली एनर्जी एक्टिव थी वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो 12 बजे के बाद, मीन 2 बजे से कह सकते हैं, 2 बजे के बाद से 4, 4:30, 5 बजे तक वो एनर्जी रही, बट उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्री फील करने लगे, अगर रेस्ट उन्होंने ले लिया होगा तो, और अगर रेस्ट नहीं लिया होगा तो बाकी के जो भी आवर्स थे अब तक के भी उनको हैवी एनर्जी ही फील होगी फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चैनलाइज कर सकती हैं अपनी भी, चाहे तो किसी भी अदर सोल की भी एनर्जी चैनलाइज कर सकती हैं वो। ठीक है, अपने थ्रू ये चीज़ वो कर सकती हैं। और फ्रेंड्स,
अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ तो इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है बहुत ही जिसे कह सकती हूँ स्मूथ एनर्जी में, बहुत स्मूथ एनर्जी में। एक्चुअल में अवेकनिंग प्रोसेस जिन डिवाइन मैस्कुलाइंस का चल रहा है वो भी ड्रीम्स के ज़रिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, लेकिन वो उतना कनेक्ट करके अगर जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि वो बहुत स्मूथ फील कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि फीवरिश वाली एनर्जी उनको भी फील हुई थी बट उतना ज़्यादा नहीं हुई उनको, कुछ मिनटों के लिए ये एनर्जी उनको फील हुई थी, बट उसके बाद ये एनर्जी आपको मिरर हो गई, ठीक है। और उनकी तरफ से तो एकदम वो फ्री हो गए, बट मिरर भी क्या कहूँ मैं इसको, क्योंकि ये खुद उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं थी, ये एनर्जी फ्रेंड्स कलेक्टिव एनर्जी थी, ठीक है। जो भी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी कलेक्टिव एनर्जी थी, ये वो एनर्जी थी, ठीक है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो बहुत एनर्जेटिक फीलिंग में थे, आज जो एनर्जेटिक फीलिंग रही है उनकी मॉर्निंग से ही बहुत खुश वाली एनर्जी थी, ठीक है, बहुत हैप्पी वाली एनर्जी थी। और आज उनको थोड़ा सा वर्कलोड से भी मतलब आराम मिला है, ऐसा उनको फील हुआ कि बहुत टाइम के बाद। एक्चुअल में फ्रेंड्स होता क्या है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो उतनी हाईली, जितनी हाईली एक्टिव होती है एनर्जी उतनी ही जल्दी वो एनर्जी शांत भी हो जाती है। शांत इसलिए भी हो जाती है फ्रेंड्स क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइंस है और उनको इस जर्नी का पता नहीं है, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा वाली चलती रहती है, लेकिन आपके साथ या तो हाईली बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव हो जाएगी एनर्जी या फिर बहुत स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथ जो होती है वो कम ही टाइम में होती है बट हाई एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए आपको सिखाया जाता है और बताया जाता है कि आप बैलेंस रहें, ठीक है, चैनलाइज रखें अपनी एनर्जी को, ठीक है, और अपना पूरा ध्यान रखें। तो ये दो तरीके की एनर्जी फ्रेंड्स आ रही थी और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज की एनर्जी कुछ रही है, लेकिन हाँ एनर्जी ठीक थी, कल से बहुत ठीक एनर्जी थी। अगर आपने रेस्ट ले लिया होगा तो आपको आराम भी मिल गया होगा बहुत जल्दी, ठीक है। सोलर और सैक्रल का ध्यान रखिए अपने। सोलर और सैक्रल के लिए मैं यही बताऊँगी कि मेडिटेशन कर रहे हैं आप तो मेडिटेशन में ध्यान रखिए कि सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा को ध्यान में रख करके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर।